झरिया मोहल बनी बस्ती के सार्वजनिक रैयत तालाब बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा जबरन भरे जाने को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर मंगलवार को झरिया सीओ राम सुमन प्रसाद निरीक्षण किया। वहीं झरिया सीओ राम सुमन प्रसाद ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर आज निरीक्षण करने पहुंचे थे। तालाब को बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा भरा जा रहा है जो धीरे धीरे संकीर्ण होता जा रहा है। तालाब जल स्रोत में आता उसकी भराई गलत है। वहीं जमीन किसकी है वह कागजात जांचों पर ही कुछ कहा जा सकता है। जब तालाब रहना चाहिए और कुछ दिक्कत है, बहुत बुरा बुढ़ी आदमी नहाने नहीं सकता है, कहाँ जाएगा नहाने हम लोग। एक तो इधर बाथरूम बाथरूम कुछ नहीं है गरीब आदमी के, मोरा धरा होता है हम लोग का, घाट में होता है दशकर्मा में, उसको ये लोग मट्टी पत्थर देकर धाप रहा। देखिए ना जाते एकदम भाप दिया, थोड़ा सा रहा है बोलने से भी तो कोनो लड़का जो आके बोलेगा तो बस बैठा दिया तो का खाएगा दिया, चार पाँच रोज दूगो लड़का के बैठा वैसे कोई नहीं बोलता है। क्या नाम करता है? नाम क्यों इसका लिए क्या आदरी देवी द्वारा भरने का आवेदन दिया गया था, उसी के जांच में मैं और अपना कर्मचारी सीआई के साथ में आया हूँ। क्या कुछ आपने देखा सर? मैंने देखा कि चारों तरफ से बोलो वो भी है जो भरा जा रहा है, ये तालाब संकीर्ण हो चुका है। और ये जमीन किन की है सर? जमीन तो अभी कागज जांच की बात ही। अच्छा अच्छा, तालाब को जिस तरह भरपाई करे क्या लीगल है कि लीगल सर? तालाब तो जल स्रोत में आता है, तालाब को नहीं भरना चाहिए, पर उसको भरपाई हो रहा है, भरा जा रहा है सर। हाँ अभी तो है, चारों साइड से भरा हुआ, तो गलत ना है ये सर? हाँ मैं तालाब तो अगर बाथरूम में अगर रहती है, इसको आवेदन के विस्तृत जाँच के बाद ही हम बता पाए। बीसीसीएल पर कुछ कार्रवाई होगी जो तालाब आवेदन जाँच के बाद? हम लोग को नहाने का पानी नहीं है, मरे सारा से घाट उठेगा बूढ़ा आदमी मरेगा तो हम लोग 100 आदमी होता है घाट उठने वाला, तो कहाँ से घाट उठेगा? इतना आदमी कहाँ पानी जुटेगा? पांच को मेहमान आ जाएगा तो सबके घर में कल नहीं है, जिसको पैसा है वो कल बैठा है, टंकी बैठा है, सब किया, हम लोग क्या करेंगे? मैंने ये तालाब था जिसको लोग मट्टी से धप रहा पूरा धप ये दिया तो इतना दौड़ते धूपते तब जाके आज कम से कम 15 दिन से बच्चा लोग दौड़ रहा है इधर उधर, बच्चा लोग कोई ना लेके जा रहा है।